घबराओ नहीं बेटे, हम सब है यहाँ पे। लेट जाओ, लेट जाओ बेटे, लेट जाओ, हम है बेटे यहाँ पे। आज 15 दिन हो गए हैं इस हादसे को गुजरे, लेकिन इस बच्चे के दिल से खौफ गया ही नहीं। खौफ जाएगा भी कैसे, जिस बच्चे ने इतनी नाजुक सी उम्र में अपने माँ और बाप दोनों को उन कमबख्तों की गोलियों का शिकार होते हुए देखा हो, तो उससे दिल से खौफ जाएगा भी कैसे। और खौफ से बढ़कर है अपने माँ बाप को खो देने का सदमा। ठीक कहते हो डॉक्टर, ये बच्चा वाकई ही बहुत जज्बाती है। जब तक इसके वालिदैन जिंदा थे, ये हर वक्त हंसता खेलता नजर आता था, और अब देखिए इसकी हालत देखी नहीं जाती। खुदा इन दहशत पसंदों को कभी नहीं बख्शेंगे, उसका कहर इन सब पे लाजमी पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत तप रहा है बेचारा, अकेला पड़ा रहता है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, इसके सारे रिश्तेदार और सगे संबंधी वादी डर के मारे छोड़ के चले गए। अब हम पड़ोसियों से जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं। विचार क्या करो, सावधान करो। मैं तो कहती हूँ इसे अपने घर ले चलते हैं। लेकिन ये माने तब ना, ये लड़का तो बड़ा जज्बाती ठहरा, अपने माँ बाप का घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन दवाई तो वही जारी रही। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग इस बच्चे का दिल बहलाएं, ताकि इसकी ज़हनी कैफियत में कुछ फर्क आए। डॉक्टर साहब, ये आपकी फीस। नहीं नहीं, रहने दीजिए। ले लो बेटे, ये बच्चे के लिए हम सब मोहल्ले वालों ने मिलके कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, ये उसी में से है। बड़े मियाँ, ये पैसे किसी और चीज के लिए सर्व कीजिएगा, फीस की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। न जाने इस वादी में फिर से कब अमन अमान होगा, खुदा जाने और कितने बच्चे यतीम होंगे, न जाने बहारें फिर से कब लौटेंगे। चचा जान, यदि नहीं इस वादी में दहशतगर्दी पूरी खत्म हो जाए, तो ता है कौन सामने तो चैन सा रोज पे ऐसी क्या करो, ऐसे सारे पे यकजा हाथ मतलब क्या करो।
बशीरा बिल्कुल परवेज जैसा नहीं लगता। उसकी आंखें बिल्कुल परवेजी जैसी है और उसकी मुस्कुराहट भी, और वैसा ही गोरा चिट्टा चेहरा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? एक बार बशीरे की अम्मी ने मुझसे कहा कि तू बशीरा रख ले और मैं परवेजी। अब तो ना परवेजी रहा और ना बशीरे की अम्मी। अख्तर, हम बशीरे को अपने पास रख लें? निखत, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कुछ दिन इंतजार करते हैं, क्या पता बशीरे के रिश्तेदारों से लेने आए। मैं तो चाहती हूँ कि मैं इसे अपने घर ही ले जाऊं, लेकिन अशरफा की मानता ही नहीं। चुप बेटे, चुप। अल्लाह को क्या मंजूर है। निखिल, तू ऐसा कर, तू आज घर चली जा, इसके पास मैं रुक जाती हूँ, जाकर आराम कर, तेरे दिन भी तो नजदीक आ रहे हैं। हाँ। चुप बेटे। तुम क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई? मैं मरूं जी, क्या हो गया? तो कब का मान ना रहा तू मुझे? तबीयत शो ठीक? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? निखत, क्या हुआ? मैं मरूं जी बनी क्या दलील? हैरान ठीक हो सुन? तबीयत शो ठीक बनी? निखत बनी क्या दलील? बता तो सही, क्या बात हो गई? बशीरा, बशीरा यार, मुझे बशीरा चाहिए, मेरा परवेजी। मैं कहती हूँ बशीरा, मेरा परवेजी, मेरा बशीरा। अख्तर, अख्तर, मुझे बशीरा ला दोगे? बोलो अख्तर, बोलो, मुझे बशीरा ला दोगे? अरे अख्तर छोड़ो। अख्तर नहीं, गुलाम मोहम्मद बख्श। अरे छोड़ो ना, क्या बचपन है। हाँ मेरी जान, मैं तेरा गुलाम ही तो हूँ। अच्छा, गुलाम कब से बन गए? क्यों, मैं इस मलिका का गुलाम, और इस मलिका को मैं गुजारिश करता हूँ कि इस गुलाम अख्तर को बख्श दो। वाह वाह, आज तो जनाब बड़ा कह रहे हैं। भाई बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा,
क्या? आज हम अपनी मलिका आलिया के लिए एक बेनजीर तोहफा लाए। तोहफा? और तुम हो ही नहीं सकता यार। रोज तो कहती थी मेरे लिए कुछ नहीं लाते हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाते हो। खुदा इस पति में आज चाहे खुद रोना, उम्र भर याद करो। सच में? खुदा की कसम। तुम मेरे लिए तोहफा लाए हो? खुदा की कसम सच कह रहा हूँ। क्या सोचो क्या हो सकता है? तोश की शाल। जना ने क्या सोच ली? तोश की शाल। इससे भी बड़ा? इससे भी बड़ा है। तो जामावर? वही तो चेन में मजा गुड़ा हूँ। चेन पता है कि जामावर इन्हें की ये तब थोड़ा करी जामावर यूज। अच्छा तो चलो एक हिंट में देता हूँ। हाँ। 24 घंटे तुम उसी चीज के बारे में सोचती रहती हो। मैं सोचती रहती हूँ। ऐसा क्या तोहफा है? थोड़ी ना विनती फिक्र दिमाग मंडे हूँ। अब मैं हार गई, जल्दी बताओ क्या है। हार मान ली ना। मैं तो हार। हाँ। अर्श पानी बंद। ओफ, ऐसा क्या तोहफा है कि आंखें बंद करनी है? जब तक आंखें बंद नहीं करोगे मैं नहीं दिखाऊंगा खुदा की। दिखाओ भी। आंखें बंद करो। अच्छा लो। खोला नहीं जब तक। हाँ हाँ जल्दी दिखाओ। ऐसे रहना। हाँ अब आंखें खोलो मेरी जान। जनाब आपके एक एक हुक्म की तामील हुई है जनाब। अभी अभी अपने टारगेट पर हमला किया गया, दो बम फटे और गोलाबारी अब भी जारी है जनाब। ओवर। गुड, ये काम जारी रहना चाहिए अफजल अली। ओवर। जी जनाब। वेरी गुड। और सुनो उन नौजवानों के बारे में क्या कर रहे हो? ओवर। नौजवान साहब? वही मेरा मतलब है, वो बच्चा लोग। वादी के बच्चों को अच्छी तादाद में ट्रेनिंग देनी है, वही तो हमारा काम संभालेंगे। फरमाते हैं जनाब,
वैसे ये काम आपके हुक्म के मुताबिक शुरू हो चुका है। जो अफगानी मुजाहिद हमारे गिरोह में शामिल किए गए हैं, उनको भी हिदायत दी गई है। इस काम को भी तेजी से सर अंजाम दिया जाएगा जनाब। आप फिक्र ना कीजिए। ओवर। सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ तुम्हारे ब्लड ग्रुप की परेशानी हो सकती है। निकट, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि आरएच नेगेटिव एक बड़ा ही रेयर ग्रुप है। मेरे विचार से तो तुम्हें डिलीवरी के लिए श्रीनगर या फिर जम्मू जाना चाहिए। ओह, तो तुम भी डॉक्टर बनोगे बेटे? जी हाँ। हाँ, बहुत खूब। डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट, MBBS, क्यों FRCS, लंदन अमेरिका कनाडा, क्यों ठीक है ना? और फिर कहाँ रहोगे, लंदन या अमेरिका? आंटी के पास। आंटी नहीं बेटा, अम्मी कहो। जी अम्मी। डॉक्टर साहब, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? पानी, वो देखो पानी। चलो, अब तो बशीरा खुश नजर आ रहा है, माँ बाप को याद करता है क्या? जी अब तो ठीक है, लेकिन पहले तो रातों को अचानक उठ जाया करता था और चिल्लाता था, हर वक्त परेशान रहा करता था। और अब? अब अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल तो इसलिए है कि तुम उसे माँ का प्यार दे रही हो, वरना ना जाने कितने यतीम, बेबस और लाचार, क्या से क्या हो गया है ये? जन्नत था और अब दोजख बनकर रह गया है। क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? अभी तक नहीं आया बशीरा। तुम जाके देखोगे भी उसे? मेरी जान, ऐसे हालात में मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ? बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, आज तो बस स्टैंड पर भी बड़ा विस्फोट हुआ है। कहीं उसमें बशीरा तो? बशीरा उसमें नहीं था, वो तो यार फौजियों की ट्रक उड़ाई है उन्होंने दहशतगर्दों ने। लेकिन हो भी तो सकता है ना कि वो वहां से गुजर रहा हो। खामखा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान, मैंने तहकीकात की है, मैंने इसको इंस्पेक्टर जावेद को भी फोन किया था, उसने कहा मौका है वारदात पे, कोई बच्चा नहीं मिला था। यार छोटा बच्चा है, कहीं कर्फ्यू में फंस गया होगा। खाम खा परेशान कर, आशक पान साफी सुना, बेशक मेरी परेशान कर। आपका बच्चा है? कर्फ्यू में फंस गया था, स्कूल लेके आए। बी केयरफुल। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? बोल, कहाँ चला गया था? बेटा,
जलियांवाला बाग का किस्सा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कहाँ? अमृतसर में। वहाँ गोली किसके हुक्म से चलाई गई थी? जनरल डायर। और कितने लोग मारे गए थे? अम्मी, स्वेटर तो मेरे लिए छोटा पड़ जाएगा। बेटा, ये स्वेटर का अगला नहीं है, ये उसकी बाँह है। देखो देखो कितना नरम है। तो मेरा बशीरा भी तो नरम और नाजुक है ना, इसलिए। अम्मी, मैंने उसका नाम सोच लिया है। किसका? वही उसका तुम ये स्वेटर बुन रही हो। अच्छा बदमाश, तुझे सब पता है हाँ? तो बन क्यों रहा था? हाँ भाई, अब तो तेरा भाई आने वाला है। क्या नाम रखेगा उसका? शबीरा। मैं बशीरा और वो शबीरा। और अगर बहन आ गई तो? शबीरी। हेलो। आदाब अर्ज़ है दूल्हे भाई। आदाब शबनम, क्या हाल है? आप कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं मतलब? अरे निखत की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है, मैंने आपसे पहले भी कहा था आप उसे लेके यहाँ आ जाइए। वो तो ठीक है लेकिन। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे भाई, आपकी साली ने MBBS MD को झक मारने के लिए की है क्या कि अपनी छोटी बहन का केस भी ना कर सके? भाई शबनम वो ठीक है लेकिन। फिर लेकिन? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ निखत का केस काफी मुश्किल है, 2 बार पहले भी हमल गिर चुका है और वहाँ तो रोज किसी ना किसी की जान खतरे में रहती है। हाँ मेरी काबिलियत पे शक है तो फिर किसी और से केस करवा लेते हैं। अरे साली साहिबा, आप तो खामखा नाराज हो गई। या पहले इस करो कादबा, ठीक है? मैं बात करता हूँ फिर तुम्हें फोन करूंगा। अच्छा खुदा हाफिज। अख्तर, मैं शबनम से वादा कर चुकी हूँ कि हम आएंगे। 2 बार किसी के आने का सपना अधूरा ही रह गया। अख्तर, शबनम आपका बहुत अच्छी डॉक्टर है। निखत, मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रहा हूँ लेकिन दफ्तर का हाल तो तुम्हारे सामने है, इतना काम पेंडिंग पड़ा है, ऐसे में तो मुझे छुट्टी भी नहीं मिल सकती है। और उस बुआ वैसे वादान कैसे वन उस वादनस खसा, और ऐसी हालत में तो मैं तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। अबू, अम्मी अकेली थोड़ा ना जाएंगी, मैं चला जाऊंगा ना इनके साथ, जरा अभी तकलीफ नहीं होने दो। हाँ साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो ये पश्चिमी लेके नेपाल जा रहा हूँ। अच्छा। वहाँ अच्छा बाजार है, असल बाजार से ताजी फर्स्ट क्लास। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं? हाँ जी, मैं तो LTC लेकर छुट्टियाँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं पहले जाऊँगा जम्मू। अच्छा। वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली जाऊँगा। अच्छा। जयपुर जाऊँगा। अच्छा। कलकत्ता जाऊँगा। बड़ मस्ती कर रही होते, बड़ मस्ती बड़ खुश रही होते। पापा कश्मीर कितना सुंदर है ना, कितना मजा आया ना पापा यहाँ पर। पता है पापा, मैंने ना 3 फिल्म रोल खींचे हैं। पापा अगर आप वहाँ श्रीनगर में इसे डेवलप करवा लेते तो अच्छा रहता। नहीं बेटे, पटना चल के डेवलप करना। बेगम, पड़ोसी कहते हैं हम लोग डर के मारे कश्मीर को छोड़ रहे हैं। भला इनको कौन समझाए कि कल ही जम्मू में भी बम बटे थे। वो तो ठीक है हकीम साहब, लेकिन इधर भी तो हालात ऐसे ही हैं, दहशत फैली हुई है। वो देखो कल ही बारामूला में बम फटा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये अफरा तफरी क्या मची हुई है। आपको सब मालूम है, जब तक ये दहशतगर्द रहेंगे, बम और बंदूकें चलती रहेंगी, हम लोग ऐसे ही पिसते रहेंगे। अल्लाह रहम कर रहे हैं।
मैं ऐसे हालात में बिल्कुल नहीं रह सकती। यहाँ रखा ही क्या है, कारोबार सब खत्म है, खुलकर सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो क्या आप भी कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, कश्मीर नहीं छोड़ सकते बेटा। कश्मीर कैसे छोड़ सकता है? ये आपका बेटा है? मेरा बहुत प्यारा बेटा। हकीम साहब देखिए कितना सुंदर नजारा है, उसे क्या खूबसूरत चीज हो रही, क्या कुल, क्या नजारा चाहिए बासा, खुदायन क्या चाहिए बनो, तम सरामात वस्त क्या चाहिए बोझने, और जन्नत चाहिए दीनस बासा। चलती हुई बस से तो और भी खूबसूरत लगता है। क्या तुम पहले कभी भी बस में नहीं चढ़े हो? आज पहली बार जा रहे हो बस में? हाँ। क्या तुमने कभी बस का सफर नहीं किया? नहीं अम्मी। चल फिर मैं कभी तुम्हें रेलगाड़ी का सफर करवाऊंगी। जरूर अम्मी, मुझे कलकत्ता, दिल्ली और सब जगह लेके जाना। जरूर लेके जाऊंगी, और जहाँ की लड़की से कहेगा ना उसे तेरी शादी भी करवा दूंगी। मद्रास की लड़की कैसी रहेगी? मद्रासी नहीं, बंगाली लड़की से शादी करेंगे। बंगाली नहीं, मणिपुरी लड़की से। हेलो सरदार, हेलो सरदार, दिस इज फॉक्स हियर, कैन यू हियर मी? ओवर। यस फॉक्स, ज़ेब्रा हियर, बोलो, ओवर। अभी अभी यहाँ से बस नंबर JK3076 गुजरी है। ये बस पैसेंजर से भरी हुई है, थोड़ी ही देर में यह बस तुम्हारे पॉइंट तक पहुंचेगी। ओवर। कोई फौजी या सिक्योरिटी वाला तो नहीं है? ओवर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवर एंड आउट। नहीं तो मैगजीन सारी की साली तेरे भेजे में उतार दूंगा। चलो। What the hell you are talking? डिटेल में बात करो। यस सर। सर बस जम्मू जा रही थी, उसे रास्ते में हाईजैक कर लिया गया सर। हाईजैक करने वालों में अफगानी मर्सरीज भी हैं सर। हाँ सर, और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो पूरी तरह से हथियार लैस हैं सर। आगे बोलो। ओवर। सर उन्होंने बब्बन खान और उसके साथियों की रिहाई की मांग की है सर। ओवर। शिट मैन, शिट। नो नो, आप घबराइए मत सर, सिचुएशन इज टोटली अंडर कंट्रोल, हम सब तैनात हैं सर। ओवर। हाँ तैनात हो तुम, सबसे ज्यादा गड़बड़ी तुम्हारे इलाके में हो रही है। एक्शन के लिए तैयार रहो, कुछ भी इवेंचुअलिटी हो सकती है, अगर कुछ हो तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। ओवर। यस सर। ओवर। वो जो बच्चे अगवा किए गए थे उनके बारे में कुछ पता लगा? तहकीकात चल रही है सर। सर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगवा किए हुए बच्चों को सरहद पार लेकर जाने का मंसूबा है सर। ओवर। तो फिर वो गुमशुदा बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? ओवर। सर अभी तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी इसी एरिया में होने चाहिए सर। हम पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं सर। ओवर। छानबीन का कुछ नतीजा भी दिखाओ इकबाल मियां, वरना डिमोट करके लाइंस भेज दी जाओगे। डीजीपी साहब तुमसे पहले ही बहुत नाराज है। ओवर एंड आउट। इतना बड़ा होकर रोता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें कौम की खिदमत का मौका मिला है। तुम मुजाहिद बनोगे, सरहद के पार तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, तुम्हें असॉल्ट राइफल और स्नेनगर मिलेगी, तुम्हारे वालदान को ढेर सारा पैसा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है खुदा तुम्हारी इस खिदमत से खुश होंगे।
तुम खुदाई मुजाहिदीन कहलाओगे। दुनिया कांच चानी नजरों से ये टैगलर बंदूक तुला का था क्या तुम सही करने सलाम से दयो दयो था दयो दयो था करने। डरो मत अंकल जैसे बनो तुम मुजाहिद बनोगे सारा शहर तुमसे डरेगा सारे तुमसे डरेंगे। शाबाश इसे कहते हैं बहादुर बच्चा। कीदड़ के बच्चे बहादुर नहीं हुआ करते। मुझे ये कर एक दो कोमिश खदमत के लिए बंदूक के लिए सारी जुकाने में सिंदर कदम तल। शाबाश शाबाश। 030 रिपोर्टिंग सर 030 रिपोर्टिंग सर। बंद कर इसको इतना भूख लगा है कुछ खाने को लेके आ। मैसेज आ रहा है अब चला ही खान साहब। खान भाई बहुत भूख लगा है सुबह का कुछ नहीं खाया। आज गुस्तापा खाने का दिल करता है। खान का बच्चा और इस वक्त तुम्हारे को गुस्तापा कहाँ से लाएगा ओए? ओए क्या शोर मचाती? बच्चा रो रहा है खान साहब। बच्चा रो रहा है तो उसे चुप क्यों नहीं कराती? चुप कराती हूँ खान साहब चुप कराती हूँ। यस सर अभी लो सर। खान भाई अफजल अली साहब आपसे बात करना चाहते हैं। ए, तुम उधर का ध्यान रखो। यस कैरी ऑन। खान वहाँ सब ठीक है ना? ओवर। बिल्कुल ठीक है ब्रदर। बस का एक एक मुसाफिर क्या बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान क्या औरत सब के सब खौफ सदा बैठी हैं। अरे तुम बताओ हिंदी सरकार से कोई बातचीत हुआ? ओवर। तहलका मचा है खान तहलका। हिंदी सरकार को हमारे साथी रिहा करने ही होंगे। हाँ और सुनो हाई कमान का ऑर्डर आया है कि जो बच्चा लोग हमारे कब्जे में है उन्हें ट्रेनिंग के लिए सरहद पार ले जाना है। नजीर अहमद नया है तुम जाकर उसे सारा प्लान समझा दो। ठीक है हम इधर का सब ठीक ठाक कर उधर पहुंचती। ओवर। ठीक है खान इंशाल्लाह अपने मिशन में कामयाब होंगे। ओवर एंड आउट। क्या बात है अम्मी? क्या कॉफी दो अच्छे से? ए, क्या शोर मचाती? क्या हल्ला मचाती है? देखिए खान साहब। क्या बात करती खातून? देखिए खान साहब इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया औरत? हम इसे अस्पताल ले जाएगा? खान साहब ये पेट से है शायद इसकी पैदाइश का वक्त आ गया है। पैदाइश करनी होती तो ये बस में क्यों बैठी? ऐसी हालत में कोई भी जानबूझ के सफर नहीं करता है। आपने जो ये दहशत मचा रखी है इसकी घबराहट से ये वक्त से पहले ही। वक्त के पहले या वक्त के बाद हमको नहीं कोई हस्ताल वस्ताल नहीं होगा। चुपचाप बैठ जाओ। खुदाए इस पर हम इस पर कर रहे हैं ये मायरे। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं इनका बस चले तो बच्चे सड़कों पर पैदा हो। ए खातून अगर ज्यादा बातें करने की कोशिश की तो मैगजीन की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। खामोश। खान को पागल समझता है। अस्पताल जाने की बात करता है। खान को पागल समझता है ये लोग। उसका दूर को अस्पताल ले जाने की बात करता बस में बच्चा पैदा करता है ये लोग। खान चाचा हाँ बोलो। मैं बड़ा होकर मुजाहिद बनूंगा बिल्कुल आपके जैसा बहादुर। मैं बंदूक चलाऊंगा धन 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 और बम फेंकूंगा। खोचे तू तो अभी बच्चा है। खान चाचा आपको नहीं पता जब से मेरे अब्बू को पुलिस ने मारा है तब से मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने अब्बू की मौत का बदला ले सकूँ मैं मुजाहिद बनूँ। खान भाई लड़का तो होशियार मालूम होता है। अरे होशियार ही नहीं बहादुर भी है। खान चाचा बस आप एक बार मेरी अम्मी को अस्पताल ले जाइए बस फिर मैं आपकी दिन रात खिदमत करूंगा आपके साथ रहूंगा। और अमाना गाड़ी लाओ उस खातून को अस्पताल लेकर जाता हम लोग। आप थोड़ा झुक के निकलिए। आइए मौलवी साहब।
क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? मामूली सा काम है मोदी साहब। ये बच्चे देख रहे हैं आप, इनसे कुरान शरीफ की कसम दिलवानी है। कसम दिलवानी है? किस बात के लिए? मौलवी साहब, इन बच्चों को हमने अपने गिरोह में शामिल किया है। ये लजम वुइंतलन बंदूक तेली हैकन के करे, और इनको अपने गिरोह में शामिल करके इनसे हम इस्लाम की खिदमत करवाना चाहते हैं। खिदमत करवाना चाहते हैं? आपके साथ मिलकर ये इस्लाम की खिदमत करेंगे, आप लोगों के साथ जिन्होंने मजहब के नाम पर वादी कश्मीर में दहशत फैला रखी है। माफ करना, मैं हरगिज आपके इस काम में शरीक नहीं हूंगा। सोच लीजिए मौलवी साहब। सोच लिया है बखुदा? एक बार फिर सोच लीजिए। यूनुस पदगसी चैन खतर मुश्किल। मौलवी साहब, ओ अफजल अली साहब, आप? हाँ मौलवी साहब, मैं। मौलवी साहब, ये जिहाद का वक्त है, जंग आजादी का वक्त है, और हर सच्चे मुसलमान का फर्ज है कि वो इस जद्दोजहद में हमारे साथ शरीक हो। मैं तुम्हारे इस नापाक इरादे में हरगिज शरीक नहीं होऊंगा। मौलवी साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। खुदा के वास्ते, खुदा का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत लाओ अफजल अली। मौलवी, तुम पुलिस के बुक पर हो सरकारी पिट्ठू। ये लो पिस्तौल, इसका काम तमाम कर दो और इसकी लाश मस्जिद के पास फेंक दो। सुनो, शहर में ये बात फैलनी चाहिए कि इसे फौजी लोग मार गए। सुना, वो उधर नर्सिंग होम होती, चलो उतरो। ए, तुम किधर जाती? तुम इधर बैठती, तू तो मुजाहिद बनेगी। ए खातूना, घर जरा सी भी चलाती थी, पुलिस को बताया तो ये बच्चा पठान के पास होती, हर बंदूक की सारी मैगजीन इसके भेजे में खाली होती। अम्मी, तुम मेरी फिक्र मत करना, खान चाचा है ना मेरे साथ, मैं बड़ा होकर मुजाहिद बनूंगा, अपने अब्बू की मौत का बदला लूंगा। खान बिरादर, क्या तुम फिर एक छोटा सा बच्चा लेकर आए? ये नया बच्चा हमारे किस काम का? ओए, तुमको नहीं मालूम, ये बशीरा, ये बहुत होशियार बच्चा होती। वैसे भी असला बारूद ले जाने में ये बच्चा लोग बहुत बढ़िया होती, और पुलिस आर्मी भी इन पर शक नहीं करती। चलो तुम गाड़ी में बैठो। खान
अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ओए लाला की जान, ये भी तुम्हारा चाचा होती, ये तुम्हारे साथ जाती। खान बिरादर, हाई कमांड से हुक्म आया है, बच्चों के साथ तुम्हें ही जाना पड़ेगा, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। ओए तुम्हारा खान चाचा तुम्हारे साथ जाती, तुम बैठो गाड़ी में। देखना सरहद पार तुमको ऐसी ट्रेनिंग मशक देगा हमारा साथी लोग कि तुम बहादुरी नहीं बहुत बहुत फुर्तीले सिपाही बन जाएगी। चलो बैठो तुम लोग। खान चाचा, हम भी मुजाहिद बनेगा तुम्हारे जैसा। ओए लाला की जान, बैठो बैठो तुम लोग गाड़ी में, चलो। हम पर जुल्म होते रहे और हम सब उन्हें सहते रहे, लेकिन अब तो इंतहा ही हो गई है। क्यों झूठ बोलते हो नजीर, मेरा घर तो सामने रहा, मैंने तो नहीं सुनी फौजी खड़ी की वजह। तुम आजकल पुलिस वालों की काफी तरफदारी कर रहे हो, फौजियों के भी मुखबिर हो हा? कर इसे। जान प्यारी नहीं है क्या? नीचे अब तक दुकान नहीं बंद करी? खिड़की बंद, सब बंद। आए दिन हड़तालें, मुजाहिरे। साहब ऐसा ही होता रहा तो हम भी भूखे मरेंगे और हमारे बच्चे भी तड़प तड़प कर मरेंगे। लेकिन लेकिन अफजल अली साहब, जो बात के लिए मुजाहरा करवाना चाहते हैं वो भी तो ठीक है ना, हमें तो आवाज उठानी ही पड़ेगी हिंद सरकार के खिलाफ। हिंद सरकार के खिलाफ? क्यों भला, अफजल अली के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए हमें? इसने तो दहशत फैला रखी है यहाँ। अफजल अली ने क्या? सरकार ने देखा नहीं सवेरे सवेरे क्या नजारा देखने को मिला? क्या? अरे पुलिस वालों ने और मिलिट्री वालों ने मौलवी साहब का कत्ल करके उनकी लाश को मस्जिद के सामने फेंक दिया। क्या बात है यार, वो दहशत फैलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं ताकि हम लोग भी दहशत में आ जाएं और पुलिस वाले और मिलिट्री वालों की बात मानकर ही चलें। नहीं नहीं, ये काम पुलिस और मिलिट्री का नहीं हो सकता। तो ये भी बताने की जरूरत है क्या, जिन मौलवी साहब की शहर भर में इज्जत थी, जिनको शहर का एक एक बच्चा नेकी का फरिश्ता मानता था, उन्हीं मौलवी साहब को मारकर इस मस्जिद के आगे फेंक दिया गया। नहीं कहना चाहता और कह भी नहीं सकता, इस तरह एक जानवर की तरह फेंक दिया गया। क्या कसूर था उनका? यही कि वो हमें राह दिखाना चाहते थे और बाशिंदेगान कश्मीर के लोगों की भलाई चाहते थे और लोगों को बताना चाहते थे कि अगर उनका खैर खवा है तो पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान और एक एक औरत। तुम्हारी ये जुर्रत कि मेरे खिलाफ आवाज उठाओ। अफजल अली, हम जुर्रत ही नहीं कर रहे, हम तुम्हें बताने आए हैं कि तुम खबरदार हो जाओ और इस शहर को अपने आदमियों समेत छोड़ दो, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लोगी? अफजल अली, ये मत सोचो कि हम औरतें ये मशीन गने और बंदूकें उठाकर तुम्हारा मुकाबला करने आई हैं। हम मुकाबला करेंगे सच्चाई और हकीकत के हथियार उठाकर। तुम चाहो तो इस सीने को गोलियों से छलनी कर दो, फिर भी हमारे खून की एक एक बूंद यही आवाज उठाएगी।